क्या बात है मोनिका, कुछ परेशान दिख रही हो। अपनी सुपर बाइकर शीना को देख रहे? तुम्हें कुछ भी करके इसकी स्पीड को कम करना ही होगा, वरना उस खास दिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। डोंट वरी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसका इंतजाम अच्छे से कर लूंगा। चंदर, हमारी शीना की बाइक जरा अच्छे से तैयार करना, कहीं स्टंट करते टाइम बाइक उसी का स्टंट ना कर दे। सब मत कहिए सर, अपनी शीना मैडम भी किसी स्टार से कम थोड़े ही है। अच्छा, और ये बात आज तुम दोनों को, तुम्हें और तुम्हारे उस गोलेंडो को, दोनों को पता चल जाएगी। तुम लोग फालतू की बकवास करने से ज्यादा अगर अपनी गाड़ियों पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साहिल, ध्यान तो तुम्हारा भी आजकल कहीं और रहता है, क्यों रे? जय, तुम औरों की छोड़ो, अपने काम पे फोकस करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो दोस्तों, हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। हमारे जाबाज बाइकर्स अब स्टंट पेश करने वाले हैं, जिसे देखकर आपके होश और हवास उड़ जाएंगे। तुम लाइन पे आ जाओ शीना। तुम अपनी लाइन बदल लो गोलेंडो, क्योंकि मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। अपने आपको समझता क्या है ये? मुझे डराने चले थे, इनकी तो एक नहीं चलने दूंगी मैं।
भाई साहब। सांस नहीं चल रही, लगता मर गया। Excuse me. Yes. ये आईसीयू रूम कहाँ होगा? मिसेस कुमार से मिलना है, उनके बेटे विक्रम कुमार ने उन्हें एडमिट किया है। फर्स्ट फ्लोर ऑन द राइट साइड सर। थैंक्स। विक्रम, तुम्हारी माँ का इलाज हो सकता है, उनकी जान बच सकती है, मगर इलाज का खर्चा, फौरन से उन स्पेशलिस्ट को यहाँ बुलाना या फिर तुम्हारी माँ को वहाँ भेजना, ये सब तुम कैसे कर पाओगे? लेकिन डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा ना मेरी माँ को बचाने के लिए, प्लीज डॉक्टर। देखो विक्रम, चैरिटी बैंक से जितना सपोर्ट हो सकता था उसने किया, अब हॉस्पिटल्स के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकते ना, इसलिए जो कुछ करना होगा वो तुम्हें ही करना होगा विक्रम। डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बात तो सुनिए, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा डॉक्टर? मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? मैं हूं ना सर, आप यहां? हाँ, क्यों? जब तुम काम के लिए महीनों तक हमारे चक्कर काट सकते हो तो मैं तुमसे मिलने यहां नहीं आ सकता क्या? लेकिन सर, आपने तो साफ साफ मना कर दिया था कि आपको रुकी बाइकर्स नहीं चाहिए। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, पर मेरे स्टार बाइकर साहिल की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और मुझे उसका अर्जेंट रिप्लेसमेंट चाहिए। बोलो, काम करोगे हमारे साथ? मैं? सर, आप मुझे काम देंगे? सर, लेकिन मैं उतना अच्छा बाइकर नहीं हूं, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना सर? गुलेंडो को मजाक करने की आदत नहीं है। हाँ, एक शर्त जरूर है। शर्त? कैसी शर्त? हम तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पूरे पैसे देंगे, अभी के अभी, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा काम है 21 मार्च को, और वो काम तुम्हें करना है। ठीक है, मेरे से जितना होगा मैं दिल से करूंगा, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए सर। अब तुम अपनी माँ की चिंता हम पे छोड़ दो, लेकिन उस दिन कोई भी नाटक नहीं, कोई सवाल जवाब या पीछे हटने का ख्याल भी दिल में मत लाना, जानते हो ना तुम मुझे, जान भी जा सकती है तुम्हारी। काम हुआ? गुलेंडो जो काम करना चाहे वो होगा कैसे नहीं। कौन है? एक विक्रम नाम है। ये हमारे काम का तो है ना? हमारे काम के लायक हुआ तो हमारे साथ रहेगा, वरना काम से जाएगा। देखो, हमारे पास किसी को टेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मुझ पे भरोसा है कि नहीं? लेकिन ये किसी को कुछ बताएगा तो नहीं ना? कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी कमजोर नस हमारे हाथ में है। अच्छा, इतनी जल्दी तुमने उसकी कमजोर नस भी पकड़ ली है? यही तो बात है, गुलेंडो हथौड़ा तभी मारता है जब लोहा पूरी तरह से गर्म हो। मैं कुछ समझी नहीं,
देखो उसकी माँ बीमार है और उसे अपनी माँ की बीमारी के इलाज के लिए पैसे चाहिए। बस उसकी माँ उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। लेकिन ये बिका कितने में? 25 लाख में। देखो गोलेंडो, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे 21 मार्च के मिशन के लिए कर रहे हैं। ABG, जो किसी भी कीमत पर सक्सेस होना ही चाहिए। सक्सेस हो के ही रहेगा, हमने इसके लिए इतनी मेहनत की है और हम इस मिशन को पूरा करके ही रहेंगे। और ये शीना, उसका कुछ इंतजाम किया या नहीं? मोनिका, उसका भी इंतजाम हो गया है। गुड। और बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब भी सॉल्व करो। 21 मार्च तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मोनिका, 21 मार्च से पहले हर चीज का सॉल्यूशन निकाल लेगा ये गोलिंडो। बेफिक्र रहो। शीना, क्या हो गया तुम्हें? आप लोगों का रास्ता रोकना शुरू कर दिया क्या? तुम मेरे पीछे आओगे तो मुझे तुम्हारे आगे तो आना ही पड़ेगा ना। गुलेंडो के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी के भी पीछे आता रहे। समीर आज मेरे घर के दरवाजे तक आ पहुंचा। उसे तुमने मेरे पीछे भेजा था ना? क्यों? तुम्हें अच्छी तरह पता था क्यों। मुझे ये भी पता है कि तुमने मेरे साथ स्टंट शो में क्या करने की कोशिश की थी। अरे वाह, इतनी जल्दी इतनी स्मार्ट हो गई तुम। अब सोच लो, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नुकसान हो सकता है। तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? धमका दिया, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें। अब चुपचाप हमारी बात मान लो और मुंह बंद रखो, जिंदा रहोगी, समझी? नहीं तो रास्ते से हटा देंगे तुम्हें। अरे यार चंदर, खाने की सारी तैयारी हो गई लेकिन नमक तो है ही नहीं। अरे यार रघु, अभी तो लेके आया था नमक। अरे तू क्या नमक पानी में घोल के पीता है जो इतनी जल्दी खत्म हो गया? अरे यार, एक तो तुम खाना नहीं बनाते, कम से कम सामान तो लाकर दे दिया करो। ए बस कर यार, देखो जल्दी जाओ नहीं तो कढ़ाई में तुम्हें डाल दूंगा नमक की जगह। हाँ बता रहा हूँ, मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है, दुश्मन। अभी लेके आता हूँ सामने की दुकान से। जा जल्दी जा। सर, गले पे सामने की तरफ गहरे निशान है, मतलब किसी ने पीछे से इसका गला घोटा। इस वायर से बाइक का एक्सीलेटर वायर है। मैं देखो और कुछ मिलता है क्या? चंद्र जी बोलिए। साहब,
साहब मेरा यकीन कीजिए साहब, हमने कुछ नहीं किया है साहब। तो किसने किया? पता नहीं साहब, हम तो ये नमक लेने बाहर दुकान पे गए थे, वापस आकर देखो तो रघु मरा पड़ा है। नमक लाने गए थे? जी साहब। कहाँ है दुकान? बाहर ही है सर दुकान। तो नमक का भाव पता कर लो। सर। काम क्या करते हो तुम? साहब बाइक का मैकेनिक हूँ साहब। बाइक मैकेनिक है? हाँ। सर सर ये देखिए, लेदर जैकेट का टुकड़ा लगता है। रख लो इसे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब भेजो। यस सर। आप लोगों ने कुछ देखा किसी को यहां से बाहर भागते हुए? नहीं सर, लेकिन यहां से बाइक के जाने की आवाज सुनी। बाइक की आवाज? ये सच कह रहा, ये दुकान गया था। मैंने कहा था ना साहब, मैं नमक लाने गया था। देखो चंदर जी, खूनी बाइक से आया था। बाइक के एक्सीलेटर वायर से रघु का गला घोटा गया है और तुम बाइक मैकेनिक हो। हाँ हाँ साहब, लेकिन साहब मैंने खून नहीं किया साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ साहब, आप यकीन कीजिए सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। ब्यूरो चलो। तो बता कौन है तू? मैं मैकेनिक हूँ साहब। अच्छा, तो तुम मैकेनिक हो? क्या बोला था ये? सर कह रहा है कि मैकेनिक है। अच्छा, मैकेनिक हो तो फिर बताओ, जब तुम्हारे दोस्त का खून हो रहा था तब तुम घर में क्यों नहीं थे? मैं बाहर गया हुआ था साहब। क्यों बाहर गए थे? नमक लाने। नमक उसी वक्त कैसे लाने गए जब तुम्हारे दोस्त का खून हो रहा था? मालूम नहीं सर। मालूम कैसे नहीं? क्योंकि मैं बाहर क्या हुआ था सर। तुम बाहर गए और उधर उसका खून हो गया। किसने किया उसका खून? मुझे नहीं मालूम सर। काम क्या करते हो? मैंने बोला ना सर, मैं कहने को सुना दिया, मैकेनिक है ये। तो पहले बोल चुका हूँ साहब कि मैं मैकेनिक। क्या बोल चुके हो? कि मैं एक बाइक का मैकेनिक हूँ साहब। बाइक का मैकेनिक है तो फिर तुम्हें मालूम कैसे नहीं कि खून किसने किया? नहीं मालूम साहब, सच में। मालूम कैसे नहीं? तुम्हारे दोस्त का स्टील के तार से गला घोटा गया। वो स्टील का तार जो बाइक के ब्रेक में लगता है, वो स्टील का तार जो बाइक के एक्सेलरेटर में लगता है। मुझे नहीं मालूम साहब। तू मैकेनिक है ना? खून करने वाले ने बाइक में इस्तेमाल होने वाली वायर से गला घोटा है। ये खूनी कोई मैकेनिक वगैरह ही है। मैं सच कह रहा साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्यों? मैं साहब की साहब मैं बताता हूँ साहब, दो दिन पहले रात को मैं बाइकर के सर्विस स्टेशन में गया था। ये रहा मेरा टूल बॉक्स। आवाज कैसी? और इतनी रात को यहां कौन हो सकता है? कर क्या रहे हैं ये लोग? ये तो साहिल सर की बाइक है, मगर साहिल सर है कहां? और ये दोनों कौन है? और साहिल सर की बाइक के साथ क्या कर रहे हैं? ये साहिल का बच्चा ना बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है। एक तो हमारा साथ नहीं दे रहा है और हमारे ही आड़े आ रहा है। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमारे प्लान पर पानी फेर रहा है। 21 मार्च वाला प्लान ना? हाँ, तुझे कैसे मालूम? अभी तो आपने बताया कि 21 मार्च को कुछ बड़ी प्लानिंग है। ओ, ऐसा कहा मैंने? इससे पहले साहिल को रास्ते से हटाना है, तू जल्दी कर इसको। हो गया, बस हो गया,
कल का दिन साहिल की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर, फटाफट कर। नहीं, कौन है भाई? जैसे ही मेरे हाथ से टूल बॉक्स गिरा, उन दोनों ने मुझे देख लिया साहब। फिर मैं डर से वहां से भाग गया। मगर साहब, बाद में उन दोनों ने मुझे फोन किया। क्या फोन किया? यही कहा कि अपना मुंह बंद रखना और पैसे ले ले। अब तुमने पैसे ले लिए है ना? जी साहब, इसीलिए साहिल सर के एक्सीडेंट होने के बाद भी मैं चुपचाप ही बैठा रहा सर। फिर उस रात में साहब, वो लोग मुझे ही मारने आए थे, पर मैं बाहर गया हुआ था तो गलती से मेरे दोस्त को मार कर चले गए। अच्छा, तो मारने वाले थे तुम्हें और मारा तुम्हारे दोस्त को। कौन थे वो लोग? सब अंधेरा होने के कारण मैं उनका चेहरा देख नहीं पाया साहब। हाँ साहब, लेकिन उनमें सब एक मैकेनिक था और दूसरा सब वो बाइकर था, वो जो बाइक पे स्टंट करते हैं सर, वो था। अच्छा, मतलब एक स्टंट बाइकर और एक मैकेनिक। साहिल के चंदर ने बताया कि साहिल का जो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। हाँ बॉस, साहिल की बॉडी में भी कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब उसने कोई ड्रग्स या कोई नशीली दवाई नहीं ली। पूरा का पूरा एक्सीडेंट लड़के के होशो आवाज में हुआ है और उसकी मौत की वजह सीने में लगी चोट और ब्रेन में हुई इंटरनल ब्लीडिंग है। सर, जयवंती उस आई विटनेस को ला रही है जिसने एक्सीडेंट होते हुए करीब से देखा। सर, ये पहिया जो आगे का है, ये पहिया अपने आप नहीं निकला है, पहले इसके वोल्ट ढीले किए गए थे। सर, ये है मिस्टर अभीर, इन्होंने एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा है। इतने डरे डरे से क्यों हो? सर, ये मैडम मुझे ऐसे लेके जैसे मानो मैंने एक्सीडेंट होते देखा नहीं बल्कि किया है। अरे ठीक है, अभी बताओ देखा क्या तुमने? सर, उस दिन मैं बाइक के पीछे पीछे जा रहा था। क्या ब्रेक नहीं लगा था? मतलब ब्रेक ऑयल के साथ भी छेड़खानी की गई होगी। चेक कर लेता हूं ब्रेक ऑयल। ये तो खाली है। एक मिनट, ये देखो बॉस, ये कॉटन वेस्ट का एक धागा, इसका मतलब किसी ने सारा का सारा ऑयल कॉटन वेस्ट से जानबूझकर साफ कर दिया। मतलब अगर पहिया नहीं भी निकलता तो भी एक्सीडेंट तो होना ही था, ब्रेक्स जो फेल थे। अभिजीत, साहिल इन लोगों के साथ 21 मार्च वाली प्लानिंग में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया और फिर चंदर ने सारी बातें सुन ली थी तो उसे मारने की कोशिश की। चलिए बाइकर के स्टंट शो में जाके पता करते हैं, वहीं पता चलेगा किसकी है ये 21 मार्च वाली प्लानिंग। 10 बाइकर्स हैं अभी, 10, और जिसने भी ये किया है ना वो उन्हीं में से एक है। वो जो जैकेट का जो टुकड़ा मिला था ना फटा हुआ, ये जैकेट ठीक करवाने के लिए ये बाइकर जरूर उस टेलर के पास जाएगा ही जाएगा। लगता है वही हमारा खूनी है, वही है। पता नहीं ये बाइकर्स 21 मार्च को क्या करने वाले हैं। उन सबको एक साथ देखने के लिए तो हमें स्टंट शो का इंतजार करना पड़ेगा। अगर उनमें से किसी एक पर भी इल्जाम साबित हो गया ना, उसकी मैं गर्दन मरोड़ दूंगी। ये कौन है? हेलो। हेलो मैम, हम इंस्पेक्टर पूर्वी बोल रही हूँ, बोलिए। मैम,
मैं मनसुख टेलर बोल रहा हूँ। वो जैकेट जो मेरे पास सिलने के लिए आया है उसके बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैडम जैकेट तैयार हो गया है। अभी अभी एक औरत का फोन आया था, वो उस जैकेट के बारे में पूछ रही थी, पर मैंने कह दिया कि अभी उसमें रफू का काम बाकी है। अच्छा, वो दिखने में कैसी थी, पहचान सकते हो उसे? जी नहीं मैम, उसने बहुत बड़ा चश्मा पहन रखा था इसलिए मैं देख नहीं पाया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करो, वो जब भी कॉल करे उसे 2 घंटे के बाद आने के लिए कहो, और हमें भी इन्फॉर्म कर देना, हम पहुंच जाएंगे। जी अच्छा। ओके। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। कर लेगा? कर लूंगा ट्राई। हो जाएगा? या हो जाएगा। पक्का? ऑल द बेस्ट। या अच्छे से। हाँ ब्रो, अरे सब हो जाएगा यार, टेंशन नहीं, मैं करता हूँ। हाँ मैं अपने हिसाब से सब सेटल करता हूँ, तुम परेशान मत हो। क्या बात है जय, कमाल कर दिया यार तूने, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। अरे विक्रम, तू यहाँ क्या कर रहा है? इधर आ, इधर आ। गाइस, ये विक्रम है, आज से ही हम लोगों के साथ काम करेगा। साहिल की जगह लेने आए हो, कर लोगे उसकी तरह? क्यों नहीं कर लेगा? तुम इसकी तरफ देख, कितना छुई मुई सा दिखता है ये। ऊपर से तुम बिना एक्सपीरियंस के इसको लेकर आ गए, और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे ये साबित करना ही होगा कि ये साहिल की जगह ले भी सकता है या नहीं। नहीं नहीं, मैं ये सब कर सकता हूँ। अच्छा, ये बच्चों का खेल नहीं है, पहले कुछ दिखा तो फिर आगे बात कर। गोलेंडो देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे तुम्हारे इन बाइकर दोस्तों से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे ये दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको ये साबित करना ही होगा कि ये साहिल की जगह ले भी सकता है या नहीं। विक्रम, आज तू बता दे और दिखा दे इन सबको कि मैंने तुझ पे पैसा और वक्त बर्बाद नहीं किया है, दिखा दे इन सबको। बाइक के मामले मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। अच्छा पहले कुछ करके दिखाओ फिर बात करो।
ओलैंडो, बिल्कुल सही आदमी को ढूंढ कर लाए हो तो। अब तो तुम सबको यकीन हो गया ना, क्यों? चलो अब शो की तैयारी करते हैं, टाइम नहीं अपने पास, चलो चलो जल्दी, रेडी। हम लोग सीआईडी से, आप ही साहिल के मंगेतर हैं? जी हाँ, मैंने ही आपको बुलाया था, अंदर आ जाइए। हमें पता चला है कि साहिल की मौत एक्सीडेंट नहीं, उसका खून हुआ है। पर आपने हमें कांटेक्ट करने में इतना टाइम क्यों लगा? सर मैं यूएसए में थी, आज सुबह ही वापस आई हूँ मैं। यूएसए में? जी सर, साहिल को ऐसा लगता था कि हमारी जान को खतरा है, इसलिए उसने मुझे यहाँ से बाहर भेज दिया। साहिल को पहले से ही मालूम था यहाँ पे कुछ होने वाला है? हाँ सर, एक हफ्ता पहले साहिल का फोन आया था मेरे पास, वो कह रहा था कि उसे कोई जानकारी मिली है और वो सीआईडी को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर उसके साथी बाइकर्स कुछ गैर कानूनी काम करना चाहते थे और साहिल को भी जबरदस्ती उसमें शामिल करना चाहते थे वो। गैर कानूनी काम, क्या कुछ बताया आपको इसके बारे में? नहीं सर, पर कुछ दिनों से साहिल उन लोगों का पीछा कर रहा था दिन रात। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ सर। विक्रम, तू सब देख लेगा ना? आप फिक्र मत कीजिए सर। हे फ्रेंड्स, मैं टीना एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस बाइकर रियलिटी शो में। कुछ ही समय में हमारे बाइकर फ्रेंड्स अपने अमेजिंग स्टंट्स के साथ रेडी हो जाएंगे और हमें दिखाएंगे अपना जलवा। अब देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या स्पेशल करने वाले हैं। सो लेट्स गो, 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट द शो। और हमारे सुपर बाइकर्स अपने स्टंट्स के साथ ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और ये इधर उन्होंने एक मारी एक बड़ी विली। ओह माय गॉड, कब और कहां उनका पीछा किया है इसका रिकॉर्ड है। सर साहिल ने 3 अलग अलग रूट पर इनको फॉलो किया था। अलग अलग रूट पे और अलग अलग टाइम पे पीछा किया गया है। B1 अंधेरी से जोगेश्वरी, B2 बोरीवली से कांदीवली और B3 जू से विले पार्ले। सर B1, B2, B3 का मतलब बाइकर्स हो सकता है। बाइकर्स 1, बाइकर 2, बाइकर 3 और ये जो क्रॉस लगा है रेड क्रॉस, ये कुछ खास लग रहा है। 21 मार्च 2015 मिशन ABGJO। कुछ पता है आपको इसके बारे में, ये मिशन ABGJO? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ABGJO कुछ बड़ी प्लानिंग है इनकी, 21 मार्च को पता लगाना होगा।
ये बाइक किसकी है? आप ले जाइए साहब, कोई बात नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.